देखिए दोस्तों, ये मटर है, ये 12 बजे फूलने दिए थे, अभी 5 बज रहे हैं, 4-5 घंटा इसको फूलने देना है। ये बेकिंग सोडा है, इसको इसमें डाल देना है। स्वाद अनुसार नमक डालना है, इसमें पानी डालना है। अब इसको सींझने दे देते हैं। देखिए दोस्तों, मसाला पीसने जा रहे हैं मटर का, जो छोला बनाएंगे। देखिए, जीरा गोल की है, प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, और 2 को इलायच और 2 को लौंग इसमें डाल दीजिएगा। जा रहे हैं इसको पीसने के लिए। मसाला पीस के तैयार कर लिए हैं। देखिए, जो सींझने दिए थे मटर, कितना अच्छे से गला है इसको। देखिए, किसी किसी बोलता है ना घर में कि मटर गलता ही नहीं है, सींचता ही नहीं है अच्छा, लेकिन हाँ आपको दिखाते हैं, थोड़ा गर्म है। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, देखिए इतना अच्छा से गला है, सारे सारे गल गया है, बहुत गर्म है अभी। देखिए कितना आसानी से, देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। देखिए कढ़ाई पका दिए हैं, सरसों तेल है, पहले मसाला को फ्राई करना है। देखिए हल्दी डाल रहे हैं, नमक तो उसमें डला हुआ था, नमक तो डालना नहीं है, इसको अच्छा से फ्राई करना है। देखिए अभी अच्छा से फ्राई हो रहा है। देखिए फ्राई हो गया है, अब इसको डाल देते हैं। होटल से ज्यादा अच्छा बनेगा ये। अब इसको ढक देना है, हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर से छिड़का देते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, डालना जरूरी नहीं है। देखिए बन के तैयार हो गया है। देखिए इसी तरह उतारना है, अब जा रहे गैस को बंद करके इसको ढक देना है। फिर देखिए 10 मिनट के बाद कितना अच्छा लगेगा देखने में, और अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है देखने में, कितना गाढ़ा हो गया है। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसी तरह आप भी इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार घर में, और ट्राई करने के बाद आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।